हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते. दिस इज डॉक्टर विक्रांत सुभाष, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कोच एंड कंसल्टेंट. होप यू आर ऑल डूइंग वेरी गुड. आज मैं आपके लिए वैदिक प्रश्ना कोर्स के बारे में कुछ बात करने आया हूँ, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने आया हूँ. Now, this course is a course where it's a very ancient way of prediction. और इसको हम particularly Kerala way of prediction बोलते हैं, because this come out from Kerala. Very special method of question, right? Particularly in India, without making a horoscope, without having knowledge of numerology or vastu or anything. Right, you don't require any astrological knowledge for this, right? Which was used in ancient times. पहले के ज़माने में इसको use करते थे to get immediate answers, right? A very effective method. Marriage का question हो सकता है, profit का question, loss का question, right? Lot of pregnancy, life, death, childbirth, right? Business loss, all of these questions. और see sometimes. We are all very confused. कुछ करना चाहते हैं but we are not getting the option कि ये सही है. Am I taking the right option? Am I missing out on something? Right? Just to keep that understanding, to get the right answer from the divine, right? This particular prediction helps out. कभी कभी date of birth नहीं होता है, time of birth गलत होता है, but you still want an answer to understand. इसमें हम क्या कर सकते हैं, राइट? आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, ये सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, राइट? ऑल ऑफ समटाइम्स वी हैव दिस कंफ्यूजन्स. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट दिस इज कि दिस पर्टिकुलर प्रेडिक्शन वर्क्स ऑन एनर्जीज. व्हाट एनर्जीज? वन, द एनर्जी जो आपकी है, योर ओन एनर्जी. टू, द प्रोडक्ट्स वी यूज टू गो अहेड एंड प्रेडिक्ट, राइट? जो वस्तु हम इस्तेमाल करते हैं, जो चीजें हम इस्तेमाल करेंगे, उसकी एनर्जी. एंड द पर्सन हु इज गोइंग टू कम टू यू टू आस्क सम क्वेश्चंस, राइट? ऑल दीज थ्री एनर्जीज कमिंग टुगेदर एंड आस्किंग द डिवाइन फॉर सम सपोर्ट, सम गाइडेंस, राइट? और इसकी एक प्रोसेस है कि ये हम कैसे करते हैं. बिकॉज जो प्रोडक्ट्स आप यूज करेंगे, राइट, वो आपके साथ बहुत अच्छा सिंक होना चाहिए. देन ही इज गोइंग टू आंसर यू, राइट? आपने देखा होगा पहले के जमाने में बहुत उतना भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं हो, कोई पार्क हो गया, कोई बीच हो गया, कोई तोता लेके बैठता है कि थोड़े कार्ड्स डालते हैं और वो तोता एक कार्ड निकालता है, राइट? बिकॉज द पैरट इज ऑलरेडी इन सिंक विद द एस्ट्रोलॉजर, और जो भी वो निकालेगा वो अपनी नसीब होगी. दैट्स ओके, राइट? समथिंग लाइक दिस. बट यहां पर हम तोता का इस्तेमाल नहीं कर रहे, राइट? देयर आर सम अदर प्रोडक्ट्स वी विल यूज, एंड वी आर गोइंग टू लर्न 8 डिफरेंट वेज ऑफ प्रेडिक्शन, राइट? इसमें अगर आपको लगता है कि मुझे दो तीन ही यूज करना है, मुझे दो तीन आइटम से ही प्रेडिक्शन करनी है ऐसी, तो इट इज ओके. बट मैं सभी मोडालिटीज को कभी ना कभी यूज करते हैं, राइट? नाउ जैसे मैंने बताया कि इसकी सिंक भी होनी चाहिए, ये आपके साथ सिंक होना चाहिए, राइट? इसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी सिनर्जाइज होना चाहिए, देन यू विल गेट द राइट काइंड ऑफ प्रेडिक्शन, ओके? एंड ये किसके लिए और असरदार होता है, राइट? कि अगर आप क्रिस्टल हीलिंग में है, रेकी में है, न्यूमरोलॉजी आपने सीखा है, एस्ट्रोलॉजी आपने सीखा है, वास्तु सीखा है, एनी सॉर्ट ऑफ अकल्ट साइंस जहां पर आप ये सर्विस दे रहे हैं पीपल विथ रेफरेंस टू हेल्पिंग देम आउट, गिविंग देम सॉल्यूशंस, रेमेडीज, प्रिडिक्टिंग थिंग्स, राइट? देन डेफिनेटली यू शुड लर्न दिस पर्टिकुलर प्रिडिक्शन एज वेल, राइट? अगर आपने ये कुछ सीखा भी नहीं है तो भी आप ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं, राइट? नाउ इसके लिए क्या चाहिए होता है? व्हाट डू यू रिक्वायर? फर्स्ट, पहले तो जो 8 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेडिक्शंस है उसके लिए हम क्या चूज करते हैं? पहले
तो विच इज वेरी वेरी फेमस, वेरी नॉर्मली यूज्ड एवरीवेयर, राइट, वो है कॉरिस, राइट, द कॉरिस, देखिए, राइट, वन टाइप ऑफ प्रेडिक्शन इज थ्रू द कॉरिस, और ये आज भी यूज होता है, आज भी उसको यूज करते हैं। अगर आपको पता है कि तिरुवनंतपुरम में जो टेम्पल थी और उनके जो लॉक्स डोर्स थे, राइट, नीचे, उनको ओपन करने के लिए उनको भगवान से एक आज्ञा मांगनी पड़ी, दे वॉन्टेड टू गेट अ परमिशन फ्रॉम द ऑलमाइटी कि ये डोर को हम ओपन कर सकें, और उसके लिए केरला प्रेडिक्शन, केरलियन प्रेडिक्शन का इस्तेमाल किया गया था। दे आस्क्ड द डिवाइन टू गिव देम द आंसर कि ये ओपन करना है या नहीं करना है विद द रेफरेंस ऑफ कॉरिस, राइट, एंड देन इट वाज ओपन। और बाकी बहुत सारे डोर्स हैं उन्होंने ओपन नहीं किया है, बट फॉर दिस दे गॉट अ परमिशन टू ओपन एंड वी नो व्हाट वाज इनसाइड इट ऑल्सो, राइट। तो बहुत प्राचीन है ये, वेरी वेरी एंशियंट वे ऑफ यूजिंग। सो वन इज द कॉरिस, सेकेंड इज कॉइन्स, राइट, नॉर्मल कॉइन्स जो 1 रुपए के कॉइन्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, राइट, 1 रुपए कॉइन्स, दिस इज द सेकेंड। थर्ड, जो प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, थर्ड इज गोमती चक्र, राइट, ये भी आपको पता है, वेरी डिवाइन, दीज आर ऑल वेरी डिवाइन थिंग्स, आपकी कॉरीज हो गई, आपका गोमती चक्र हो गया, राइट, दिस इज गोमती चक्र, राइट। फोर्थ इज राइस, चावल, राइस का प्रेडिक्शन, राइट, नॉर्मल राइस का प्रेडिक्शन जो होता है, राइट, यू सी यहाँ पर मैंने अक्षत बनाया है, आई एम टेल यू हाउ टू डू इट, बट दिस इज द राइस, ओके। और द फोर्थ वन, द फिफ्थ वन इज प्लेइंग कार्ड्स, जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, राइट, एंड द सिक्स्थ वन इज टाइम, ओके, वी विल डू प्रिडिक्शंस थ्रू टाइम। द सेवेंथ वन इज बीटल लीफ, खाने वाला जो पत्ता होता है, राइट, वो, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज नेचर, राइट, इज योर थॉट प्रोसेस, राइट। देखिए, अगर आप मेरे पास आते हैं और मैं आपको बोलता हूं एक पेड़ का नाम बताइए, एक फूल का नाम बताइए, एक फल का नाम बताइए, राइट, जस्ट नेम अ ट्री और अ फ्लावर और अ फ्रूट, उससे भी ये प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं, राइट। हाउ डू वी डू इट, आई एम गोइंग टू टीच यू ऑन दैट, राइट। सो ऑल दीज आर एट। समटाइम्स कोई क्लाइंट मेरे से बात करता है फोन पे, बोलता है सर बहुत सारी तकलीफें हैं घर में, मुझे आपसे मिलना है, राइट, पता नहीं क्या चल रहा है, तो यस, आई एम गोइंग टू लुक एट द डेट ऑफ बर्थ, वास्तु का नक्शा मैं देखूंगा, सी, राइट, बट आई ऑल्सो टेल हिम कि आप एक मुट्ठी भर चावल अपने घर से लेके आइए, यू नो वाई, बिकॉज दैट राइज इज गोइंग टू टेल मी द एनर्जी इन हिज हाउस, उसके घर में जो एनर्जीज है वो कैसी है, अच्छा है बुरा है, राइट, बाय दैट आई कैन नो द सिचुएशन, राइट। दीज काइंड ऑफ थॉट्स, दीज काइंड ऑफ प्रेडिक्शंस इज व्हाट वी कॉल एज वेदिक केरलियन प्रश्न प्रेडिक्शंस, ओके। इसके साथ, राइट, नाउ देयर इज अ प्रोसेस टू बिगिन दिस, राइट। तो पहली बात, थोड़े आइटम्स आपको लेने हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। फर्स्ट थिंग, यू आर गोइंग टू बाय अ रेड कलर क्लॉथ, ओके, एक 1.5 2 3 मीटर जितना भी हो, बिकॉज मैंने फोल्ड किया है, देखिए, अ रेड कलर क्लॉथ, नॉर्मल प्लेन रेड कलर क्लॉथ, आपको एक कपड़ा लेना है, ओके। फिर आपको 1 रुपी के कॉइन्स, 1 रुपया के सिक्का, राइट, आपको 25 और 9 दो सेट्स में चाहिए होगा, 1 रुपए का सिक्का, 25 1 रुपए का सिक्का और 9 1 रुपए का सिक्का, इट शुड बी ओनली 1 रुपी, ओके, ये आपको रेडी करना है। चार पांच सिक्के एडिशनल में रख दीजिए,
बफर के जैसे, राइट, कभी कभी घूम जाता है, कहीं गिर गया, राइट। सो कॉइन्स यू विल हैव टू ऑल्सो गेट गोमती चक्र, राइट, कम से कम 15 गोमती चक्र, साइज डज नॉट मैटर, बट एक स्टैंडर्ड साइज अगर हो तो अच्छा। देखिए ये जो मेरे पास है ये 15 गोमती चक्र है, राइट। इसके साथ आपको कॉरीज लेनी है, राइट, 15 कॉरीज, ओके, एनी साइज। ये थोड़ा आपको क्रीमिश कलर, व्हाइटिश कलर होता है, विच इज ओके। डार्क जो ब्राउन कलर्स होते हैं वो नहीं लेना, ओके, व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर, क्रीमिश कलर्स। 15 गोमती चक्रास, 15 कॉरीज, 1 रुपी कॉइन्स 25, 1 रुपी कॉइन्स 9, 2 सेट्स ऑफ कॉइन्स, ओके। देन 1 सेट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ओके, जस्ट 1 सेट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। दूसरा, आपको यू नीड टू बाय प्लेन कार्ड्स, ऐसे ही शेप में अगर आपको प्लेन कार्ड्स मिलते हैं, नथिंग इज रिटर्न, ओके, प्लेन कार्ड्स आपको मिल जाते हैं, प्लेइंग कार्ड्स ही प्लेन मिल जाते हैं, वो एटलीस्ट 60 to 65, 70 जितना भी बंडल में होता है, राइट, इफ यू आर गेटिंग 50 देन बाय 2 बंडल्स। प्लेइंग कार्ड्स, राइट, नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स, दिस इज द प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड तो आपको एक सेट चाहिए ही चाहिए, ओके। अदर देन दैट यू नीड टू ऑल्सो बाई प्लेइंग कार्ड, जैसे मैंने इस पे कुछ लिखा है, राइट, यू कैन पुट, यू हैव टू बाई प्लेइंग कार्ड्स और यू वॉन्ट टू कट इट डाउन एंड कीप, बट ये प्लेइंग कार्ड आपको शफल करने में आसानी होनी चाहिए, राइट। सो प्लेइंग कार्ड्स ही जो हम पत्ते खेलते हैं वही कार्ड्स आपको प्लेन मिलते हैं, मतलब नथिंग इज देयर बिहाइंड, यू विल गेट कार्ड्स लाइक दिस बट नथिंग इज रिटर्न बिहाइंड, इट्स प्लेन। ये आपको इसमें मिल जाएगा अमेजॉन या, राइट, और यू कैन बाय 2 सेट्स ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ओके, और इसमें आपको स्टिकर करना है व्हाइट कलर, जैसे मैंने किया है, दिस इज प्लेइंग कार्ड्स बट आई हैव पुट स्टिकर टू ऑल ऑफ इट एंड रिटर्न समथिंग देयर, व्हाट इज रिटर्न आई विल गिव यू, आई विल गिव शेयर दैट इंफॉर्मेशन लेटर। तो ये करना है, और लास्ट में, राइट, आपको चावल, अब जो चावल है इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक मुट्ठी भर चावल ले लीजिए, उसमें थोड़ा घी और केसर, ओके, एंड अ पिंच ऑफ टर्मरिक ऑल्सो यू कैन, ओके, केसर का पाउडर भी डाल सकते हैं, केसर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा घी, ओके, और चावल को अच्छे से मिला दीजिए, अक्षत बना के रखिए, एक मुट्ठी भर चावल, चावल कोई भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा लंबा वाला चावल हो तो अच्छा, बहुत छोटे वाले हो तो टूट जाते हैं, राइट, लंबा वाला चावल हो तो अच्छा। दीज आर द आइटम्स यू नीड टू कीप इट रेडी। अब ये परचेस कब कर सकते हैं आप रविवार को, बुधवार को या शुक्रवार, संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, दीज 3 डेज यू कैन बाय इट। वेन आर यू गोइंग टू बाय इट, बिफोर 12 o'clock इन द आफ्टरनून, ओके, ये सब सारी चीजें आप रेडी करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इस लाल कलर कपड़े में, राइट, उन चीजों को रखेंगे और फोल्ड करेंगे, यू विल फोल्ड इट, राइट, फोल्ड कर लीजिए, ओपन कर लीजिए कपड़े को, एक फोल्ड करके गांठ बांधना है, मेक लाइक अ पोटली, राइट, और ये पोटली आपके पास 3 दिन तक रहना चाहिए। अगर आप एक हाउस वाइफ है, होम मेकर है, राइट, तो आप घर के मंदिर में ही रख सकते हैं, अगर आप कहीं काम पे जाते हैं तो आपके बैकपैक में, बैग में रख सकते हैं, बट इट शुड बी विथ यू 3 डेज। उन 3 दिनों में नो नॉन वेज, नो अल्कोहल, स्मोकिंग इज स्टिल ओके, नो नॉन वेज, नो अल्कोहल, ओके। व्हाई आर वी कीपिंग दिस विथ अस फॉर 3 डेज, बिकॉज इट इज गोइंग टू सिंक द एनर्जीज, हमारी एनर्जीज के साथ ये सिंक होती है, और इसको कोई फिडल नहीं करना चाहिए, राइट। नॉर्मली होता है कि अगर आपने कुछ बांध के रखा है तो घर वाले कुछ, अरे इसमें क्या है, कुछ ओपन करके देखेंगे, राइट, क्या निकल रहा है इसमें, सो यू आर नॉट गोइंग टू, यू आर गोइंग टू एंश्योर दैट नोबडी टचेस इट मच, राइट, ये आपके एनर्जीज के साथ सिंक, ओके। इतना चीजें आपको रेडी करनी है। ये जो कोर्स होगा इसकी डिटेल्स मैं आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, ये 3 दिन का कोर्स होगा, 3 डेज। फर्स्ट डे
वी आर जस्ट गोइंग टू गो अहेड एंड चेक वेदर वी हैव एवरीथिंग, हाउ इट हैज टू बी यूज्ड, व्हाट इज इट, एंड द नेक्स्ट 2 डेज वी आर गोइंग टू सी हाउ वी प्रिडिक्ट ऑन दिस। ओके, ये 3 दिन का कोर्स होगा और ये शाम के वक्त होगा, इट विल बी इन द इवनिंग 8 बजे। ओके, उसकी डिटेल्स में आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला है, राइट? 3 डेज कोर्स, जस्ट 3 डेज। ओके, इसकी पीडीएफ और रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। ओके, नाउ बिफोर 12 o'clock ऑन संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, अगर आपकी मंथली साइकिल्स चल रही है तो यू आर नॉट गोइंग टू बाय दैट, तो फिर आप नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वेडनेसडे, नेक्स्ट फ्राइडे यू शुड बाय। सर मैंने आइटम्स नहीं लिया है, स्टिल कैन आई अटेंड द कोर्स? यू कैन 200% अटेंड द कोर्स, बाद में भी आप आइटम्स को ले सकते हैं। ओके, राइट, सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग कोर्स, राइट, समथिंग वेरी डिफरेंट ऑन हाउ वी लुक एट थिंग्स एंड गेट द सपोर्ट ऑफ डिवाइन। इसको हम कैसे देखते हैं, क्या प्रश्न होते हैं, हाउ डू वी पुट इट अक्रॉस, इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न इन द। तो आपकी ये प्रिपरेशन करनी है। आई एम गोइंग टू शेयर द पेमेंट लिंक, हूएवर मेक्स द पेमेंट विल बी एडेड ऑन टू अ कंप्लीट कोर्स ग्रुप। ओके, वैदिक प्रश्न की अलग ग्रुप होगी, उसमें मैं आपको एड कर दूंगी, ठीक है? तो वेटिंग टू सी यू इन द कोर्स एंड विल टेक इट फ्रॉम देयर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।